नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वृश्चिक राशि वालों। दोस्तों 33 करोड़ देवी देवता ने दे दिए हैं संकेत। दोस्तों अब आप सभी के लिए खुशखबरियों वाला समय आने वाले हैं। जय दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अब आप सभी की राशि धन से माला माल होने वाली है। जय दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यश में भगवान शनिदेव का गोचर आप सभी के राशि पर होने से आप सभी के जुनकाल पर उनका आशीर्वाद मिलने से दोस्तों जीवन बिल्कुल ही स्वर्ण मंदिर के तरह जगमगाने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों सर्वप्रथम जो भी भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिख दें। यकीन मानिए भगवान शनिदेव की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। जय दोस्तों, आप सभी को बता दें कि रुके से रुके कार्य यश में आपके बनने वाले हैं। छोटे से छोटे कार्य भी आपका बहुत ही बड़ा मुकाम आपको दिलाने वाले होंगे। जय दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि भगवान शनिदेव की कृपा जिनके भी जीवन काल पर हो जाते हैं दोस्तों, उनका बेड़ा पार हो जाता है। जय दोस्तों, और यश में भी भगवान शनिदेव की कृपा आपके जीवन काल पर होना आपके पिछले समय के कर्मों को दर्शाता है, पिछले समय के मेहनत को दर्शाता है। जय दोस्तों, यह बात तो आप जानते हैं कि पिछले समय आपने कितनी समस्याओं का सामना किया है, किस प्रकार के कार्यों को करके कौन सी दुख भरी जिंदगी को झेलते हुए आप अपने दिन को बिताए हैं। जय दोस्तों, और यश में उनका परिणाम आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरियां लेकर आई है। तो दोस्तों यश में आप कोई भी गलती ना करें और दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। जय दोस्तों, इस वीडियो में जहां हम खुशखबरियां आपको बताने वाले हैं, बड़ी सफलताएं जहां आपको हम दिखाने वाले हैं, इनके शायद दोस्तों कुछ सावधानी भी हम आपको बताएंगे जो कि दोस्तों यश में आपको रखने हैं, कुछ कार्य को करने से बचने होंगे जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। जय दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान से, बहुत ही महत्वपूर्ण विचार से जो कि दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में अब बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाली है। तो दोस्तों इन बातों को आप अपने जीवनकाल में जरूर ढालिए, इन बात को आप बहुत ही ज्यादा गौर से सुने कि दोस्तों एक दिन दर्द ने दौलत से कहा कि तुम कितनी खुशनसीब हो कि हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है और मैं कितना बदनसीब हूँ कि हर कोई मुझसे दूर जाने की कोशिश करता है। जी दोस्तों, तो दोस्तों दौलत ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया कि खुशनसीब तो तुम हो जिसको पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, बस नसीब तो मैं हूँ जिसको पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। जी दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको यह बातें सच्ची लगी हो या बातों को आप समझ पाए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आए दोस्तों सके साथ बात करते हैं कि भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अब आप सभी के जीवन काल में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां आपको मिलने वाली है। दोस्तों यश में कोई भूमि संबंधी खरीद फरोख्त का काम संपन्न हो सकता है। धर्म कर्म संबंधी कार्यों में भी आपकी विशेष यशमय रुचि रहेगी तथा आपका निस्वार्थ योगदान समाज में भी आपका मान सम्मान और फिर इज्जत प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी करने वाले हैं। दोस्तों यश में आर्थिक स्थिति भी आपकी बेहतर रहेंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आय के साथ साथ खर्चे भी बढ़ेंगे, अपनी फिजूल खर्ची पर आपको यश में अंकुश लगाना चाहिए। दोस्तों किसी खास व्यक्ति के द्वारा ही आपको कुछ नुकसान यश में हो सकते हैं तो दोस्तों यश में बेहतर होगा कि भारी संपर्कों से आपको दूरी रखना चाहिए। दोस्तों परिस्थिति को क्रोध के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएं तो आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि किसी के भी साथ मिलजुल कर काम करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। दोस्तों यशमय आप अपने विचारों पर अड़े रहने की वजह से किसी के साथ भी आपका एकमत नहीं होगा, इसलिए खुद ही काम को पूरा करने की आप कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों यदि आप नया घर खरीदना चाहते हैं या फिर नए घर को शिफ्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों इन बातों में देरी हो सकती है, यश में आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों आपकी राशि के लिए जो समय होंगे, जो ग्रह स्थिति होंगे, यश में बहुत ही उत्तम समय होगा, बहुत ही अच्छी ग्रह स्थिति होंगी। दोस्तों यश में बता दें कि आपकी योग्यता व फिर क्षमता खुलकर लोगों के सामने जाहिर होने वाली है। दोस्तों विद्यार्थियों को करियर संबंधी किसी समस्या का समाधान भी यश में मिलेगा। आप अपनी किसी कमजोरी पर विजय भी यश में हासिल करने वाले हैं।
दोस्तों, परंतु आलस हुआ फिर ज़्यादा मौज मस्ती के समय को यश में व्यस्त ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगी। क्योंकि दोस्तों यश में आप जो है अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करने का समय होगा। तो दोस्तों यश में को बिल्कुल ना गवाएं और अपने कार्यों के प्रति अपने ध्यान को केंद्रित रखें। दोस्तों अगर किसी वाहन या फिर संपत्ति की खरीदने की ऋण लेने की योजना बना रहे हैं तो दोस्तों यश में योजना को स्थगित रखें, क्योंकि दोस्तों इनमें आपको लाभ की स्थिति नहीं होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लिए उसे होंगी। आपको बता दें कि दोस्तों यदि आप काम नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं तो उससे संबंधित निर्णय लेने के लिए आपको अधिक वक्त यश में लग सकता है। परिवार के किसी व्यक्ति के साथ मतभेद होने की वजह से भी कुछ कामों में देरी हो सकती है। जीवन शैली को सुधारने की आवश्यकता होगी, जिससे दोस्तों आपके लिए मन चाहे रिजल्ट पाना आसान होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में इमोशनल होने के बजाय चतुराई व फिर विवेक से आपको काम लेना चाहिए। दोस्तों विवेक से लिया हुआ काम आपके पक्ष में होगा। दोस्तों आपको बता दें कि किसी रिश्तेदार से संबंधित शुभ समाचार भी सुनने से आपका मन यश में प्रसन्न रहेगा। दोस्तों बंटवारे संबंधी कोई भी कार्य यश में मध्यस्थता से हल हो सकती है। दोस्तों यश में आपको प्रयास करना चाहिए कि अभी इनका जो है बंटवारा ना हो। तो दोस्तों इसके उपरांत यश में आपके लिए होंगे, आपको बता दें कि रुपये पेशे के मामले में भी किसी पर भरोसा ना करें। आपकी कोई योजना यश में गलत हो सकती है, इसलिए दोस्तों यश में उस पर जो है पुनर्विचार आपको करना चाहिए। अत्यधिक गुस्सा आपके लिए यश में आपके स्वास्थ्य और आपके कार्यों में हानि का कारण बन सकता है, इसलिए दोस्तों यश में आपको धैर्य बनाकर रखना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि आपको कई सारी बातों की चिंता का अनुभव होगा। दोस्तों अधिक विचार करके आप केवल चिंता बढ़ा रहे हैं। दोस्तों यदि समस्या का समाधान खुद से नहीं मिल पा रहा है तो दोस्तों किसी की मदद लेना यश में आपके लिए आवश्यक होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि भावनाओं को काबू में रखकर परिस्थिति का हल ढूंढने की आप कोशिश करें और यश में आप अच्छी हल भी ढूंढ पाएंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि आपका संतुलित व्यवहार शुभ और अशुभ दोनों पक्षों में बेहतर संतुलन बनाकर रखेगा। अगर दोस्तों स्थान परिवर्तन संबंधी कोई भी योजना बन रही है तो दोस्तों ये जो समय है आपके लिए उस पर कोई भी महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो सकता है। राजकीय मामलों में भी केस संबंधी स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। साथ ही दोस्तों दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें, अकारण ही लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों आप जो है यश में अपनी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखें, किसी भी कार्य में व्यर्थ ही पैसा खर्च ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों आप संबंधित सभी बातों में संतुलन बनाए रखने की आपकी जो कोशिश होंगी यह समय सफल होंगी। फिर भी दोस्तों विचारों में सकारात्मकता और आपको फोकस बढ़ाने की अत्यंत आवश्यकता होगी। फिलहाल दोस्तों परिस्थिति कठिन नहीं है, लेकिन दोस्तों सरल भी नहीं है। ये इतना आसान भी नहीं है। समस्याओं की तरफ अधिक ध्यान देकर उनको दूर करने की आपको यश में कोशिश करते रहना चाहिए, ये आपके लिए यश में बेहतर होंगे। दोस्तों शादी कर्मचारियों की गतिविधियों पर भी यश में आपको नजर रखना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यश में प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों को और अधिक मजबूत करें, ये संबंध आपकी तरक्की फायदेमंद साबित कराने वाले हैं। दोस्तों मशीनरी स्टाफ आदि से जुड़े छोटी मोटी परेशानियां उठ सकती है, उन पर काम करना परेशानियों से निकाल देगा। तो दोस्तों यश में जरूर उन पर काम करें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि व्यापार व फिर काम काज को लेकर कोई नई दिक्कत यात्रा आपके उत्तम भविष्य का रास्ता खोल देगी, इसलिए दोस्तों इसका ध्यान रखें। नौकरी में बॉस व फिर अधिकारी आपके काम से संतुष्ट भी रहेंगे, साथ ही पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं, इसलिए दोस्तों यश में चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में घर में सुख शांति भरा माहौल भी रहेगा। जीवन साथी के साथ अपनी हर योजना शेयर करें, ये आपके लिए बेहतर होंगी। उनकी सलाह आपके लिए यश में लाभदायक साबित होंगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि जीवन साथी के साथ किसी भी बात को लेकर तकरार भी हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। परंतु दोस्तों आपकी जब भी सूझबूझ रहेगी तो इसके द्वारा आप सभी परिस्थितियों में विजय भी हासिल करेंगे, इसलिए दोस्तों यश में आप अपने वाणी पर संयम रखें और किसी भी बात को कठोरता से ना बोलें। प्रेम संबंधों में भी आप यश में समय व्यर्थ ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे।
और उसके प्रार्थना से यह समय आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि पारिवारिक जीवन सुख शांति के लिहाज से अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है, इन्हें अपने काम पर हावी न होने दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इस समय अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों इसमें शारीरिक कमजोरी और फिर जोड़ों में दर्द की समस्या आपको परेशान कर सकती है। आयुर्वेदिक इलाज आपके लिए बहुत ही उचित रहेगा, तो दोस्तों इन पर आपको इसमें ध्यान देने की आवश्यकता होगी, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें कुछ सुस्ती और आलस भी आपके ऊपर हावी रहेगी। इसमें आपको वाहन भी सावधानीपूर्वक चलाना चाहिए, चोट आदि लगने की संभावना भी इसमें बन रही है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें बुरी आदतों तथा बुरी संगत से आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए। परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य संबंधी टेंशन भी आपको इसमें रहने वाली है।